नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। रेलवे ग्रुप डी के आंसर की के साथ साथ रिजल्ट पर भी सबसे बड़ा नोटिस आ चुका है। जितने भी छात्र रेलवे ग्रुप डी के अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आंसर की का वेट कर रहे थे, फेज 1, 2, 3 के छात्र इस वीडियो को पूरा देखें, आप सभी के लिए काफी बड़ी अपडेट। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आगे भी ग्रुप डी के एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आप सभी तक पहुँचा जा सके सबसे पहले बिल्कुल सटीक। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2022 पर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। सीबीटी फर्स्ट की आंसर की जारी होने जा रही है। इसके साथ ही साथ स्कोर कार्ड और कट ऑफ मार्क्स पर भी जितने भी हमारे छात्र फेज 1, फेज 2, फेज 3 के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी स्कोर कार्ड के साथ साथ आंसर की भी अब आप सभी लोगों की जल्द से जल्द जारी की जाएगी। फेज 1, 2, 3, 4 और 5 का यहाँ पे जो आंसर की है अब 15 अक्टूबर से दोस्तों यहाँ पे जारी हो जाएगा, आंसर की जारी होना है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट की माने तो रेलवे ग्रुप डी के आंसर की 15 अक्टूबर से फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के आंसर की आप लोगों की जारी कर दी जाएगी, जबकि हाल ही में हुए फेज 4, 5 और 6 का जो आयोजन होने वाला है इन सभी के आंसर की आप लोगों की अगले महीने यानी कि नवंबर में जारी की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी करके ये भी कहा है कि इस बार रेलवे ग्रुप डी में जो कट ऑफ है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम होने जा रही। कट ऑफ क्यों कम होगी? क्योंकि एक नोटिस के जरिए LTI दाखिल की गई थी रेलवे भर्ती बोर्ड www.rrbcdg.gov.in पर, वहाँ पर बताया गया कि इस बार अटेंडेंस 50% तक कई शिफ्टों में रही, कई शिफ्टों में 50% से भी नीचे अटेंडेंस रही है, जिसके चलते यहाँ पे जनरल OBC SC और ST का कट ऑफ गिरने जा रहा है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार आप सभी लोगों के फिजिकल, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की माने आरआरबी भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी है मीडिया में कि आप सभी के फिजिकल जो हैं आपके दिसंबर में शुरू हो जाएंगे। दिसंबर 2022 में आप लोगों के फिजिकल होंगे और साथ ही साथ अगले साल यानी कि 2023 में आप सभी की जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो दोस्तों शुरू कर दिया जाएगा। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 15 दिसंबर तक आपके जो है फिजिकल एग्जाम भी होने शुरू हो जाएंगे। रेल अपडेट मुताबिक यहाँ पे बताया जा रहा है जनरल की इस बार जो कट ऑफ है, अगर आपके अंक भी 65 से लेकर 75 के बीच में आ रहे हैं तो दोस्तों फिजिकल की तैयारी करने शुरू कर दें। फिजिकल की तैयारी इसलिए शुरू करें क्योंकि अगर आपका रिटन क्लियर हो गया तो आपको CBT 2 एग्जाम नहीं देना है, फिजिकल एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। फिजिकल एग्जाम क्लियर करेंगे तभी आपको ग्रुप डी की पोस्ट मिलेगी। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार जनरल कैंडिडेटों की कट ऑफ 65 से लेकर 75 के बीच में रहने जा रही है। ये उन सभी जोनों की कट ऑफ है जैसे कि RRB इलाहाबाद, अजमेर, भुवनेश्वर और जितने भी हमारे टॉप जोन्स हैं जहाँ की कट ऑफ हाई जाती है। तो दोस्तों इस बार अगर आपके 65 से 75 के बीच में अंक आ रहे हैं तो इन सभी जोनों में आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर बात करें OBC कैटेगरी की तो यहाँ पर जो सेफ स्कोर माना जा रहा है वो आपका 60 से लेकर 70 के बीच में माना जा रहा है। SC कैटेगरी बात करें तो यहाँ पर 55 से लेकर 65 के बीच में सेफ स्कोर माना जा रहा है। ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का जो सेफ स्कोर है या आप लोगों को 50+ माना जा रहा है। तो दोस्तों ये रही सेफ स्कोर की बात, इसमें बता दें तो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आप सभी लोगों के कठिन शिफ्टों में अधिक मार्क्स मिलेंगे। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जो इस बार फार्मूला तैयार किया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा, उसके अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है इस बार फॉर्मूले में अधिक अंक उन्हीं को मिलेंगे जिनकी जो शिफ्ट है वो कठिन है। अगर आपने भी कठिन शिफ्ट में पेपर दिया है तो मान के चले आप लोगों के 15+ तक अंक नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में आप सभी को नॉर्मलाइजेशन का लाभ भी मिलेगा क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड एक से अधिक शिफ्टों में, एक से अधिक फेज़ों में एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, जिसके चलते रेलवे ग्रुप डी का जो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन है ये भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। 15